चलो चलो, ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। इन द सर्किट सोन फिगर इफ द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए टेकन टू बी जीरो। एक सर्किट बनाया गया है, इसको मैं थोड़ा जूम कर दिया हूँ, तो पॉइंट ए का पोटेंशियल जीरो है, जीरो वोल्ट पे है, नो, ठीक है। तो पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, ये जो पॉइंट बी है इसका पोटेंशियल निकालना है। तो इसको निकालने के लिए बहुत ही अच्छा रूल है करंट इलेक्ट्रिसिटी में, आप उसको आप पूरे मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो, पॉइंट ए से चलेंगे और पॉइंट बी तक जाएंगे, सारे पोटेंशियल अप एंड डाउन जो भी है उसको नोट करते जाएंगे, ठीक है। अब पॉइंट ए से मैं या तो ऐसे जा सकता हूँ, समझ रहे, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, पहला रास्ता ये। दूसरा रास्ता ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ पॉइंट बी पे। और तीसरा रास्ता ये है कि मैं तीसरे रास्ते में मैं ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, ऐसे जा सकता हूँ, बी तक जाने के हमारे पास तीन रास्ते हैं। तो इस कौन से रास्ते से सोल्यूशन मिलेगा वो हम कैसे देखेंगे यार। चलो, अगर तुम इस वाले रास्ते से जाते हो तो अननोन आर आ जाएगा, तो इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा, तो इस रास्ते से हमें नहीं जाना है। अगर इस रास्ते से जाते हो तो यहाँ अननोन रेजिस्टेंस आर आ गया जिसकी वैल्यू नहीं दिया है, तो ये भी रास्ते में एक अननोन आ जाएगा और इक्वेशन सॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ से चलूँगा तो इसका वोल्टेज पता है और इसमें रेजिस्टेंस पता है, उधर से करंट आ रही है ये भी पता है, सारी चीज़ें पता है, तो ये वाला जो रास्ता वो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको सॉल्व करते हैं, हम लोग इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से ऐसे जाएंगे, ठीक है। यहाँ जीरो वोल्ट है और यहाँ वी बी है, वी बी वोल्ट है। अब यहाँ से इस वाले में एक एम्पियर है और यहाँ से दो एम्पियर जा रही है, इस सी जंक्शन से देखो दो, इसमें दो एम्पियर जा रही है, तो और यहाँ से एक एम्पियर आई थी, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से एक एम्पियर और आई होगी, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के सी एल, तो एक एम्पियर, तभी तो यहाँ से एक एम्पियर इधर आई होगी, इस जंक्शन पे दो एम्पियर आ रही है और इधर एक जा रही है, तो एक इधर आ गई होगी, सिंपल सी बात है। तो हम किस रास्ते से चलेंगे, सारे वोल्टेज अप एंड डाउन नोट करेंगे, सोल्यूशन हो जाएगा। चलो, तो एक काम करते हैं, हाँ चलते हैं जीरो वोल्ट पे, इसका इसको मैंने लिख लिया जीरो वोल्ट पोटेंशियल, आगे बढ़े कितना मिला प्लस वन, ठीक है, प्लस टर्मिनल मिलेगा ना बैटरी का, तो लोअर से हाइयर जा रहे हैं तो प्लस लिखते हैं, तो ये मिला प्लस वन, ठीक है। आगे बढ़ गए, आगे बढ़ के यहाँ करंट की अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, करंट उधर से आ रही है, तो इसका वोल्टेज कितना होगा, तो इसका वोल्टेज होगा वी इज इक्वल टू आई आर, वी इज इक्वल टू आई आर, तो आई इसमें वन एम्पियर है, रेजिस्टेंस इसका टू है, तो ये टू वोल्ट आ गया, और करंट उधर से आ रही है, हम करंट के अपोजिट प्लस लेते हैं, ठीक है, करंट के अपोजिट प्लस लेते हैं, तो प्लस टू वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ से इस बैटरी का, बैटरी का ये प्लस है ये माइनस है, ठीक है। प्लस क्यों लेते हैं, आपको मैं बताया था ना कि हायर वोल्टेज की साइड जा रहे हैं, दैट्स वाई प्लस आ रहा है। इधर से इधर जाएंगे, करंट उधर से आ रही है, बैटरी का निगेटिव टर्मिनल लेते हैं लेंगे, क्योंकि मैं हायर से लोअर जा रहा हूँ, सिंपल सी बात है, तो निगेटिव लूँगा, दैट इज माइनस टू, एंड फाइनली पहुँच गए जहाँ जाना था बी बी पे, ठीक है। तो टू ने टू को ख़त्म कर दिया, तो बी बी का जो वोल्टेज आ जाएगा वो प्लस वन वोल्ट, इसका सोल्यूशन सही है। तो मतलब प्लस वन वोल्ट, दैट इज ए ऑप्शन सही है। यही इक्वेशन अगर ऐसे लिखोगे तो एक अननोन आ जाएगा और वो सोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अप एंड डाउन नोट करना, सारी चीज़ें करते चले जाना था, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन मैं अपलोड करूंगा, आप पढ़ते रहो, ढंग से मोटिवेटेड रहो, कोई भी डाउट होता है, कोई भी दिक्कत आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।